अगला क्वेश्चन दिया है, कॉलम की फ्रीजिंग कम हाइडिंग तथा स्प्लिटिंग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्लियर? तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, अरे समझ गए भाई साहब। तुझे तीनों चारों ऑप्शन एक ही जगह पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? सबसे पहले हाँ, जैसे लिखा है फ्रीजिंग, क्या लिखा है? तो हम पहले क्वेश्चन में फ्रीजिंग ही हेडिंग डालेंगे। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डेटा सीट बनाने के बाद हमारे पास डेटा का आकार जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद हम पहले कॉलम और पहली रो को जब नीचे की ओर बढ़ते हैं या राइट की ओर बढ़ते हैं तो पहला कॉलम छुप जाता है, और जब डाउन होते हैं नीचे की ओर जाते हैं तो पहली रो छुपने लगती है, जिससे हम रिकॉर्डों को मैनेज करने में तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ऐसा करने के लिए हम कॉलम और रो को फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो हम उनको समझा सकते हैं कि जैसे मान लो कई बार हम ऐसा काम करते हैं, जैसे हमने लिखा नेम, लिखा क्या लिखा, एप नेम लिखा, ठीक है, तो वही होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लो अब हम कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, हम नाम ना लिख के हम खींच देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है यार, लिख दो यार, राम सीता, बस हो गया। तो इस तरीके से हमने डेटा को जब हम भर लेते हैं तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कहां तक हमारे 23 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 23 के बाद जाते हैं तो ऊपर पता नहीं चल पाता है कि क्या स्थिति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से हमने लिखा अशोक सुरेश, ठीक है, चलो ये लिखा हमने राधा रानी। इस तरीके से हमने डेटा को तैयार किया और बने बटन इस पर क्लिक कर दिया ऑटो फिल। तो इस तरीके से जब डेटा हो जाता है तो हम नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर ये पता नहीं चलता कि क्या हेडिंग है, और ऐसी जब हम इधर जाते हैं तो किसका डेटा भर रहे हैं तो ये पता नहीं चलता। तो इस कंडीशन में रहते हुए हम डेटा को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और समय ज्यादा लगता है। बार बार हम कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर पता करेंगे किसका डेटा है। ऐसा इस समस्या से बचने के लिए हम रो और कॉलम को क्या कर देते हैं? फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के लिए हम स्टेप करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस रो और कॉलम को फ्रीज करने वाली टेबल या डेटा को हम ओपन करके रखते हैं। इसके बाद हम व्यू पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक विंडोज के अंदर फ्रीज पेंस दिया रहता है, इसमें से यदि रो को फ्रीज करना तो रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यदि कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम। इसमें एक बार में एक ही चीज फ्रीज अनफ्रीज होगी, या तो कॉलम या रो। यदि हम दोनों को फ्रीज अनफ्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रो और कॉलम, जैसे देखा ऊपर की रो दिख रही है और नीचे का एक कॉलम दिख रहा है, तो यहां पर हम कर्सर को ऐसा रखते हैं। इसके बाद बने बटन फ्रीज पेंस पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही दोनों रो और कॉलम, मतलब जहां पर कर्सर होता है वहां से कॉलम और रो को फ्रीज कर देता है। अब देखिए इससे क्या हुआ, नीचे की ओर जाओगे दिख रहा है ना, इस साइड जाओगे तो दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज करने के लिए हम पुनः उस सीट पर जाते हैं जिसके कॉलम फ्रीज है। इसके बाद हम व्यू टैब पर जाते हैं, फिर विंडोज वाले भाग से हम फ्रीज पैन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पुल डाउन मेनू की लिस्ट डिस्प्ले होती है या ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होती है, उसमें से अनफ्रीज पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही कॉलम फ्रीज और अनफ्रीज हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था हाइडिंग, क्या लिखा था? हम डालेंगे हाइडिंग। तो जब भी हम किसी भी विंडो को या वर्तमान विंडो को छुपाना चाहते हैं तो व्यू के अंदर दिए गए हाइड बटन का प्रयोग करके हम विंडो को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सीट को ओपन करते हैं जिस
सीट को हमें छुपाना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही वह पूरी की पूरी फाइल क्या हाइड हो जाती है। अब यदि पुनः अनहाइड करना होता है तो हम वापिस व्यू टैब पर जाते हैं, विंडोज वाले भाग से अनहाइड बटन पर क्लिक करते हैं, जिसे अनहाइड नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, उसमें से उस सीट का चयन करते हैं जिस वर्कबुक को हमें अनहाइड करना है। इसके बाद बने बटनों पर क्लिक करते ही वह सीट अनहाइड हो जाती है। तो ये हाइड डी जो है वो शब्द क्लियर हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्प्लिटिंग, मतलब बांटना, तोड़ना, कर दो स्प्लिट। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे। जब भी हम, कई बार हमें ऐसा रहता है कि हमें एक विंडो को एक से ज्यादा भागों में तोड़ना होता है, तो हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो भाई वो शीट थ्री को हमें चार भागों में तोड़ना है, तो हम जहां से हम तोड़ना है वहां पर हम कर्सर रखते हैं। इसके बाद हम कहां जाते हैं, विंडोज वाले भाग से या व्यू टैब को चयन करते हैं। इसके बाद प्रदर्शित विकल्पों में से विंडोज वाले भाग से स्प्लिट पर जैसे क्लिक करते हैं, तो जहां पर हमारा कर्सर होता है वहां से विंडो चार भागों में स्प्लिट हो जाती है। इसे ही हम स्प्लिट करने के बाद हम फ्रीज भी कर सकते हैं। जहां से हमने स्प्लिट किया है वहां से हम इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। देखिए, तो इसे फ्रीज, अनफ्रीज और स्प्लिटिंग हम फिर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनस्प्लिट और स्प्लिट, जहां से फिर रखना है तो उसी से स्प्लिट हो जाएगी विंडो और उसी से अनस्प्लिट, राइट। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग को भी बता सकते हो। तो यहां पर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। कोई दिक्कत।